ईयर क्या था जनवरी में ही, और अभी फेब आ गया है, तो ऑलमोस्ट एक साल के बाद दोबारा में जा रहा हूँ। मेरे बैग्स रेडी हूँ, मैं बस स्टॉप पर हूँ अभी। यहाँ से मैं टिकट लाइन लेके जाऊँगा हीथ्रो टर्मिनल 2, वहाँ से अपनी डायरेक्ट फ्लाइट है दिल्ली की। मेरे यहाँ डिपार्चर टाइम है कुछ 9:45 रात का, और कल सुबह मेरी लैंडिंग है। और इस बार मैंने बुक किया है एयर इंडिया। लास्ट टाइम मैं विस्तारा से गया था, आपने अगर देखा ना तो ब्लॉग देख लेना प्लीज़, बहुत अच्छा ब्लॉग है। हाँ तो चलो चलते हैं। ये है क्वींस टर्मिनल, टर्मिनल 2, और यहाँ से डिपार्चर होगा। चेक इन कर लेता हूँ मैं, सबसे पहले ना लगेज ड्रॉप करूँगा क्योंकि उसके बाद फ्री हो जाऊँगा मैं और चेक इन हो जाएगा अपना। तो इससे सबसे बेस्ट है कि हमें ना चेक इन कर लेते पहले बिना किसी देरी के। वेटिंग कर सकते वेट कर रहा हूँ क्योंकि कुछ 8 ही बजे, 8:10 और बोर्डिंग स्टार्ट होगा कितने पे 8:45 पर। तो है मेरे पास थोड़ा टाइम, तो मैं बैठा हुआ हूँ। और फर्स्ट टाइम मैं एयर इंडिया के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ, इससे पहले मैंने विस्तारा के साथ ही किया है। और ठीक है, लेट्स सी हाउ इट गोना बी। मेरी सिक्योरिटी चेक भी हो गया है, अभी डिपार्चर गेट पे जाना है मैंने B48, तो थोड़ा सा यहाँ से वॉक करना पड़ेगा मुझे। मुझे लगता है कि मैं ना एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर जा रहा हूँ एयरपोर्ट के। 15 मिनट तो इसमें दिखा रहा है कि 15 मिनट मेरे को लगेगा गेट तक पहुँचने में, तो बस कीप वॉकिंग चले जा रहा हूँ बस। यार जितना जल्दी आ सको ना पहले एयरपोर्ट पे उतनी जल्दी आओ, तुम्हें पता भी नहीं चलता टाइम कब में जाएगा।
सिक्योरिटी में, चेक इन में, चलते हुए आगे तो बस पता नहीं चलता। अभी बस मेरे को ये मालूम 9:05 हो गए हैं, ताकि 9:05 हो गए हैं और अभी भी मैं बस चल ही रहा हूँ। अब तो बस ये है कि बोर्ड करो फटाफट और सीट पकड़ के बैठ जाओ। फटाफट हो गया, मतलब 10-15 मिनट ही लगे हैं। अब बस बैग कलेक्ट करना है और फिर मैं ना मेट्रो से जाऊंगा, तो क्योंकि जाम में मेरे को नहीं फंसना है, फटाफट मेट्रो पकड़ूंगा और चलते हैं बाहर। सामान भी ले लिया अपना, क्योंकि ट्रॉली पे मैंने सामान रखा भी, तो इसलिए मैं वीडियो बना भी पा रहा हूँ। आगे फिर मेरे को अपने आप से दो बैग खींचने, तो शायद मैं व्लॉग ना बना पाऊँ बीच में। फटाफट हो गया काम, वैसे ऑलमोस्ट 1 घंटे के अंदर अंदर, मतलब 1 घंटा भी नहीं, 40-45 मिनट में इमिग्रेशन, लगेज और मैं बाहर आ गया। तो अभी बस मैं मेट्रो स्टेशन जा रहा हूँ, वहाँ से चलते हैं। कुछ 2 बजे के आसपास मैं घर पर आ गया था, तो बात करते हैं फ्लाइट एक्सपीरियंस की। तो यार खाना तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, मेरे को मिला था दाल, राइस और पनीर, इट वाज अमेजिंग सीरियसली। साथ में रेड वाइन, जो सोला वाइन यार्ड की है जो नासिक में है, तो वाइन भी बहुत अच्छी थी। साथ में खाना अच्छा हो गया, तो मैं थोड़ा सो गया था। सीट्स पता नहीं मेरे को क्यों नहीं, मतलब कंफर्टेबल नहीं लगी, मेरे को थोड़ा बैक पेन हो गया, बाकी ठीक है। और इक्विपमेंट्स तो भैया एयर इंडिया चल ही नहीं रहा था। मैंने मतलब हेडसेट का वो जो होता है ना, उसका पॉइंट मैंने उसको पकड़ के रखा हुआ था, तब वो चल रहा था, तो कुछ आधे घंटा ही मैंने सुना होगा कुछ, वरना तो सो गया, कभी इधर उधर टाइम पास किया मैंने। बाकी हाँ, टाइमिंग तो ठीक था, टाइम के जो अराइवल टाइम था उस पर ही आ गया था, तो लाइक ओवरऑल एक्सपीरियंस वाज गुड, ठीक है, नॉट बैड। तो कुछ ऐसा रहा मेरा ये ट्रिप, और पता नहीं चला मेरे को कि 1 साल कब में चला गया। मेरे को लगा कि यार, मतलब आई कॉन्ट फील दैट कि 1 साल हो गया उस बात का जब मैं लास्ट ईयर आया था। तो अच्छा रहा, अच्छा लगता है ऑलवेज। और जब तुम एयरपोर्ट पर आते हो ना, जब तुम देखते हो वेलकम टू इंडिया, तो उसकी एक अलग फीलिंग है जब तुम लैंड कर रहे होते हो अपने एयरपोर्ट पर, तो बहुत डिस्क्राइब नहीं कर सकते बेसिकली, तो बहुत अच्छी फीलिंग होती है, तो अच्छा लगा। तो ऐसे भी मैं और ब्लॉग्स बनाने वाला हूँ यहाँ पर, तो इस वीडियो को हम एक छोटा सा इतना ही रखते हैं। मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें एंड शेयर कर देना अगर अपने दोस्तों के साथ, उनको भी अगर एयर इंडिया का एक्सपीरियंस देखना हो तो, और सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, जिससे आपको सारी अपडेट मिलेगी चैनल की। तो तब तक के लिए टेक केयर।